इस विश्व में जितना काम हो रहा है वह बल के द्वारा हो रहा है, बल के बिना, शक्ति के बिना कोई भी काम नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि निर्वीर्य किं करिष्यति, जो निर्वीर्य है, बल रहित है, वह क्या करेगा। एक आदमी ने किसी से पूछ लिया कि तुम जंगल जा रहे हो जंगल की यात्रा के लिए और सामने शेर मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे। आदमी ने उत्तर दिया, फिर मैं क्या करूंगा, जो करना वही करेगा, बस मैं क्या करूंगा, फिर वही करेगा। तो जहां मनोबल नहीं होता वहां शक्ति काम नहीं देती। हम एक निश्चय पर पहुंच जाएं कि बाहर का बल भी तभी काम देता है जब हमारा भीतर का बल अच्छा है। और भीतर के तीन प्रकार के बल हैं, शरीर बल, वाग बल और मनोबल। एक शरीर का बल, एक वाणी का बल, बड़ी शक्ति है वाणी भी, एक शब्द में सारे दृश्य को बदल देती है। और एक है मनोबल, मन का बल। अब मन का बल अधिक प्रखर है। जब तक मनोबल ठीक रहता है शरीर भी काम देता है। मनोबल कम होता है और कहता है मेरी तो सारी शक्ति चली गई, घुटने टिक गए, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। ये घुटने क्यों टिकते हैं, ये कमजोरी क्यों आती है, कि मनोबल ठीक नहीं है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि मनोबल का विकास होता रहे, वह कम न हो।